बैटरी जदीद कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा, 6 माह की मुफ्त यानी बगैर कटौती के तब्दीली, हर गाड़ी के लिए बेहतरीन फिनिक्स कारकर्दगी शानदार बैटरी जानदार। नाज़रीन पी टी वी न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ आरिफ यूसुफ़ज़ई आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान में बाहिम्मत ख़वातीन की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है, और ख़वातीन पाकिस्तानी ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में अपने हुनर का लोहा मनवाया है, चाहे वो समाजी खिदमात हों, चाहे वो तालीम का मैदान हो और चाहे दूसरे शोबे हों। अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के खातून को शर्मीन उबैद चनाए को ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने के हवाले से एक अवार्ड मिला था, अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड मिला था, उनकी नॉमिनेशन हुई थी। और अब उसके बाद ही उसके थोड़े अरसे बाद ही खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली एक बाहिम्मत खातून शाद बेगम को अमेरिका में ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर जो शुजात का अवार्ड मिला है, बहादुरी का अवार्ड मिला है, वो अमेरिका की तरफ से शाद बेगम को मिला है। बाहिम्मत खातून साल की जो बाहिम्मत खातून है वो उनको अवार्ड मिला है। और इस तरह उन्होंने ये साबित कर दिया है शाद बेगम ने कि अगर पाकिस्तान की दीगर इलाकों में बाहिम्मत ख़वातीन मौजूद हैं जो कि समाजी शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और स्पेशली जो डिप्राइव्ड लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़वातीन हैं, तो इस तरह शाद बेगम और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने भी इस मैदान में अपना लोहा मनवाया, और अमरीका ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनको इस बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा है। हम इस वक्त शाद बेगम के दफ्तर में मौजूद हैं और चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके अवार्ड के हवाले से। शाद बेगम के ऑफिस में मौजूद हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2012। शाद बेगम से हम जानना चाहेंगे कि इस अवार्ड तक रसाई का सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, कहाँ उनकी परवरिश हुई, कहाँ उनकी तालीम की मराहिल तय हुए, और समाजी ज़िंदगी का जब उन्होंने आगाज़ किया तो किन मराहिल से गुजरी, और आखिरकार जो उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड, ये कारनामा जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने हासिल किया है, इस तक पहुँचने में कितने जतन उनको करने पड़े, इस हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे। शाद बेगम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। सबसे पहले शाद बेगम साहिबा, जो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अगर हम स्टेप वाइज चलें तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। नाम तो मेरा आपने ले लिया 2-3 दफ़ा, शाद बेगम मेरा नाम है। ताल्लुक मेरा लोअर दीर में जो ज़ियारत तलाश है जिसमें एक छोटा सा गाँव, अगर मजीद हम नीचे जाएँ कल्पानी है जिसमें मेरी पैदाइश हुई है, मेरा ताल्लुक कल्पानी तलाश से है। और तालीम का जो सिलसिला था, इब्तदाई ज़िंदगी वहीं गांव में गुजरी। बिल्कुल, मैंने प्राइमरी तक कल्पानी ही के गांव में तालीम हासिल की, फिर मैंने जो मैट्रिक तक थी वो ज़ियारत तलाश की गर्ल्स हाई स्कूल में एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, फिर मैंने जो अपनी फर्दर जो एजुकेशन है FSA मास्टर तक वो मैंने प्राइवेट किया मेरे अपने इसी काम की वजह से, क्योंकि मैं नवी जमात की तालिबा थी जब मैंने इस काम का वो किया, इसमें शमूलियत इख्तियार की, तो मैंने प्राइवेट किया था मलाकंड यूनिवर्सिटी से, मास्टर मैंने उर्दू में किया और मैंने BA जो है वो सोशियोलॉजी में किया था। उसके बाद मैं अभी आजकल मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA कर रही हूँ। अच्छा, शाद बेगम साहब ये भी बता दीजिएगा कि आपका जो इलाका है पसमानदा इलाका है कंजर्वेटिव सोसाइटी में, उसमें खातून का आना और तालीम की मराहिल तय करना और फिर उसके बाद एक समाजी
वर्कर की हैसियत से काम का आगाज़ करना कितना मुश्किल था वहाँ पर, ये सारा काम और इस काम का आगाज़ करना? बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटर तो मैं खैर नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक और वो होता है, मैं बड़े पॉजिटिव उसमें ही कहूँगी कि देखें, जहाँ पे तालीम की कमी होती है, शऊर आगही की कमी होती है, तो वहाँ पे शायद लोग अपने एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ दोनों से इतने उनको बाखबर नहीं होते, दानिस्त में या नादानिस्त दोनों तौर पे, फिर एक दूसरे के साथ समटाइम वो बजाय इसके के कोऑपरेट करें, वो मसले एक दूसरे के लिए पैदा करते रहते हैं। तो ऐसे इलाके से जो मेरा ताल्लुक़ है, तो ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। फिर ये जो मेरा काम है ख़वातीन के लिए, जो समाजी काम है, आज तक हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरक्की पज़ीर जो हमारे शहर हैं, उनमें भी इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर आप सोच सकते हैं कि जो बहुत रिमोट और रूरल फ्लांग एरिया है, जो कि डेवलपमेंट से बहुत पीछे है, जहाँ पर तालीम रेशो जो है वो बहुत कम है, उस इलाके में ये बहुत मुश्किल है जो मैंने किया। ये भी बता दीजिएगा हमारे जो देखने वाले हैं कि किस तरह ख्याल आया शाद बेगम को कि उन्होंने समाजी ज़िंदगी में आना है, आवाम की खिदमत करनी है, और जो कि डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनकी, और ख़ास तौर पर फोकस ख़वातीन का और उनकी डेवलपमेंट के हवाले से ख्याल किस तरह आया और कब से आगाज़ किया, और ये जो मराहिल तय होते गए इसके हवाले से बता दीजिएगा। तो बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि 18-19 साल पर है, और लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं आपको सारे मरहलों से बताऊं, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक मैसेज है कि जो मैं देना चाहती हूं कि जो जद्दोजहद मैंने शुरू की, मैं उसमें बहुत मुश्किलात के बावजूद बहुत कामयाब उस पर जा रही हूं। तो मैंने जो फेस किया वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैं नवी जमात की तालिबा थी। इसके पहले अगर मैं कहूँ, जो मेरी फैमिली है, जो मेरा ख़ानदान है, वो अपने इलाके में हमारी जितनी फैमिली मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपने इलाके में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे औरतें भी आधा वो है, हिस्सा है आबादी का, उनकी भी मसले होते हैं, औरतों ने भी इनको अप्रोच किया, इनकी भी औरतों के साथ काम आए कि जी तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, तरबियत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत। तो जब औरतों के साथ इदारा खिदमत खलक ने काम शुरू किया, तो कल्चरली वहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है कि आप इतनी आसानी से मर्द जो है औरतों के हकूक़ के बारे में बात नहीं कर सकते लोकली, ना जो औरतें हैं वो कर सकती हैं। ये मसला जब बना, तो मेरे जो वालिद साहब हैं उनके और भी जो दूसरे मेंबर्स थे उस इदारे खिदमत खलक के, उन्होंने अपने घर से आगाज़ किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि अपने घर से बंदा आगाज़ करें। तो मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, मैं सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर मैंने ज्वाइन किया इदारे खिदमत खलक को एज ए मेंबर, और जितना अरसा मैंने काम किया, मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी एक इंस्पायरेशन की, जब मैं नवी जमात की तालिबा थी और जब मुझे कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में अपने वालिद के साथ या दूसरे साथियों के साथ, जब मैं पेशावर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में आती थी, उस वक्त ही मेरे बड़े बड़े बहुत बड़े शहर थे, तो मैं बहुत मुख्तलिफ दुनिया यहाँ पे मुझे दे, और 3 घंटे के फासले पे उधर मुझे अपना गांव एक और दुनिया लगती थी, कि वहाँ पे यहाँ पे औरतें हैं, बैठती हैं, बात करती हैं तालीम, और बड़ा बोल्ड होकर बात करती है। मेरे लिए तो ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं बात कर सकूँ, इतना मुझ में वो नहीं था। जब इतना फ़र्क मैं देखती थी कि यार इतनी ये औरतें इतनी तालीम याफ़्ता हैं, इतनी समझदार हैं, अपने मसले को इतना बेहतर तरीके से बयान करती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ। तो जब हम बात करते हैं तो मसला होता है बहुत ज़्यादा, घर पे भी होता है कि जी आप नहीं बोलो, आप ये करो, आप इस तरह करो। तो मुझे जब ये फ़र्क, और फिर इस फ़र्क को ये कि जब यहाँ पे एक लड़की है उसने मास्टर किया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ प्राइमरी की तक तालीम है, आगे कुछ नहीं है, तो मुझे दुख होता था। अब जब मेरा ये दुख था, ये एक विज़न में बदला, और वो विज़न मेरा यही बना आहिस्ता आहिस्ता कि क्यों ना मैं इस जो खला है, ये जो ताल्लुक़ का है, ये जो आवाज़ यहाँ पर पहुँच नहीं रही, मैं इस आवाज़ में थोड़ा सा अपनी आवाज़ जो है वो डालूँ। और मैं आज ये कहती हूँ कि मैंने इस काम में जितना सीखा, जितना मैंने सीखा, शायद मैं ये कहीं ना सीख पाती, क्योंकि मैं लोगों के साथ बैठी, उनके मसलों पे बात की, उनके मसलों को उनके साथ मिलकर हल करना सीखा, और फिर मेरा काम शुरू हुआ। इस दौरान फिर 94 में, उस वक़्त बहुत सारी और ख्वातीन बहुत वो एक्टिव थी, शायद मैं इतनी एक्टिव, क्योंकि मैं यंग थी, स्टूडेंट थी, शायद इस वक्त मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी इतनी पुख्ता नहीं थी। तो उन ख्वातीन ने सोचा कि अगर हम जो हमारी इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, इतने हमें ट्रेनिंग्स मिले हैं, हमारा एक्सपोजर हुआ है, क्यों ना हम अपनी एक ख्वातीन की एनजीओ बनाएं। तो हमने अंजुमन बहबूद ख्वातीन की बुनियाद डाली। ये पहली रजिस्टर्ड ख्वातीन की तंजीम है उस एरिया की।
और हमने काम शुरू किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, सोशल फॉरेस्ट्री के साथ, डीडीपी, डीएसपी, सॉरी उस वक्त ये लोग बाद में आए थे, इन लोगों के साथ काम किया। हमने सिर्फ ख्वातीन को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, उनके साथ एग्रीकल्चर के जो काम ऑलरेडी वो करती थी उनमें उनको मज़ीद तरबियतें देना शुरू की। फॉरेस्ट्री में क्योंकि हमारी ख्वातीन जो है पहाड़ों से लकड़ियाँ लाती हैं, ईंधन वगैरह लाती है, तो हमने प्लांटेशन उनसे करवाई और उनको खुशी थी क्योंकि फिर वो उनका ख्याल रखती थी, उनका टाइम बचता था। इस तरह के छोटे छोटे उनके लिए काम किए, किचन गार्डनिंग और इस तरह के सिलाई कढ़ाई के काम किए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमारा भी एक्सपोजर होता गया, ये इदारा जो है हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे होते गए, हमारे हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें उनके साथ मिलने लगे बाहमी इश्तराक पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के साथ, और फिर हमारे कुछ कौमी और बैन अल-अक़वामी इदारों की भी हमें मदद मिलने लगी। और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली शाद बेगम को ये अवार्ड बाहिम्मत खातून बराए साल 2012 मिला है। इस तरह इस अवार्ड के मिलने से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अल-अक़वामी बरदरी में, बैन अल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। शाद बेगम ने इस अवार्ड को उन तमाम पाकिस्तानियों के नाम किया है जो कि ख्वातीन के हकूक़ के लिए, ख्वातीन को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए सरगर्म अमल हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ क्या आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने मेज़बान आरिफ यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।